ध्यान महाचक्रम द्वितीय वर्ष 2011 विशाखापट्टनम 22 दिसंबर ध्यान धर्म। इस ध्यान महाचक्र में हम 9 प्रकार के धर्म के बारे में जानेंगे। ध्यान करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म शब्द अति महत्वपूर्ण है। अगर धर्म नहीं है तो हम अधर्म में जीते हैं। अधर्म दुर्भाग्य देता है, धर्म सौभाग्य देता है। भाग्य के साथ आनंद, सुख, शांति, प्रगति, कल्याण आदि है। अगर आपको भाग्य चाहिए तो आपको धर्म में रहना होगा। भाग्य कैसे मिलेगा? जैसे बीज से पेड़ आता है, वैसे ही धर्म से भाग्य आता है। कोई दूसरा हमें भाग्य देने वाला नहीं है। भगवान एक को भाग्य दे और दूसरे को दुर्भाग्य दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा धर्म ही हमें भाग्य देता है। ध्यान धर्म सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। जैसे शिखर पर्वतों में एवरेस्ट पर्वत सबसे उच्च शिखर है, ऐसे ही सभी धर्मों में ध्यान धर्म उच्चतम है। प्रत्येक दिन हमें ध्यान करना है। पिरामिड मास्टर्स हमेशा ध्यान धर्म में रहते हैं। हमारी शक्ति, ताकत, संतोष, आनंद सब ध्यान से है। बाकी सब धर्म ध्यान धर्म के बाद आते हैं। जिसको ध्यान धर्म पता नहीं वो भाग्यहीनता में रहता है। प्रत्येक मानव को दुख और कष्ट आते हैं। अपने कष्टों को दूर करने के लिए वो ध्यान में आता है। जो अपना धर्म कर रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है। हमें अपने ध्यान धर्म की रक्षा करनी है। कुछ लोग बोलते हैं, मेरा संगीत ही मेरा ध्यान है, मैं सबकी सेवा करता हूं, वही महान धर्म है। लेकिन ध्यान धर्म के बाद ही बाकी सब धर्म आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण पात्र के माध्यम से ये संदेश दिया है कि सभी पर धर्मों को छोड़कर मामम अर्थात अपनी आत्मा की शरण में आ जा। यहां माम का अर्थ कृष्ण नहीं, आत्मा की शरण में जाना है। अपनी आत्मा के साथ मिलकर जीना यानी ध्यान करना, यही ध्यान धर्म है। ध्यान धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। 23 दिसंबर अहिंसा धर्म। ध्यान धर्म के बाद अहिंसा धर्म आता है। धर्म का दूसरा नाम है न्यायपरायणता। जो सही है वही धर्म है, जो सही नहीं है वो अधर्म है। यदि आप धर्म से चूक गए तो आप अधर्म कर रहे हो। जिस प्रकार चित्र और वीडियोग्राफी करते समय फोकस सही रखना है तभी चित्र सही आएगा, ऐसे ही जब मैं बोल रहा हूं मुझे सही तरीके से बोलना है। आप सुन रहे हो तो आपको सही तरीके से सुनना है, सही पद्धति से हर काम करना है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग दिया है। सही चाहत, सही कर्म, सही जीवन बुद्धि, सही व्यवहार शैली, सही जीविकोपार्जन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। ध्यान में निशब्द रहना है, अर्थात मुंह में कोई भी ध्वनि ना हो और मन में कोई विचार ना हो। ध्यान भी सही पद्धति से करना है। दो प्रकार के धर्म हैं, स्वधर्म और परधर्म। स्वयं के प्रति सही व्यवहार करना स्वधर्म है और दूसरों के प्रति सही व्यवहार करना परधर्म है। स्वधर्म एक ही है पर परधर्म अनेक हैं। ध्यान स्वधर्म है लेकिन परधर्म में
अहिंसा सर्वप्रथम है, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा शारीरिक हो या मानसिक, वो हिंसा ही है। लोग समझते हैं केवल शारीरिक हिंसा ही हिंसा है, मुंह से गाली निकालना हिंसा नहीं है। गौतम बुद्ध को बहुत सारे लोगों ने गालियां दी पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आपने दूसरों की बातों को इतना महत्व क्यों दिया? आपने महत्व दिया इसलिए आपको दुख हुआ। यदि किसी के हाथ पांव तोड़ दिए या जान से मार दिया तो यह शरीर के ऊपर हिंसा है। मानसिक हिंसा तभी होती है जब हम दूसरों की बातों को महत्व देकर उनको अपने मन के ऊपर ले लेते हैं। किसी ने मुझे गाली दी और उस पर मैंने प्रतिक्रिया नहीं की तो ये मेरे लिए मानसिक हिंसा नहीं है। माँ बाप बच्चों को डांट सकते हैं मगर मार नहीं सकते। जानवरों को मारना हिंसा है। मानव मांस खाकर भगवान के सामने प्रार्थना करता है, भगवान मेरी रक्षा करो। दूसरों को मारते हो और अपनी रक्षा चाहते हो। मंदिर के सामने मांस की दुकान खोलते हो, एक तरफ प्रार्थना करते हो दूसरी तरफ जीव हत्या करते हो। जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी होगा। धर्म करोगे तो धर्म होगा, अधर्म करोगे तो अधर्म होगा। जो भी करना है करो, खुली छूट है, पर जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। मारोगे तो मारे जाओगे, रक्षा करोगे तो रक्षा होगी। जो दूसरों के साथ करोगे वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जानने वाला ही ज्ञानी है। इस जन्म में जो कर्म सिद्धांत को जान गया वो ज्ञानी है। जो जन्म परंपरा और कर्म सिद्धांत को जान गया वो ब्रह्म ज्ञानी है। ज्ञानी को एक ही जन्म का ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को पिछले जन्मों का भी ज्ञान है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं और तुम अनेक अनेक जन्म ले चुके हैं, तुम सिर्फ ज्ञानी हो, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। मुझे अपने और तुम्हारे सभी जन्मों का ज्ञान है। पांडव ज्ञानी हैं यानी उत्तम पुरुष हैं, कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं यानी पुरुषोत्तम हैं, और कौरव अज्ञानी हैं। कौरव को कर्म सिद्धांत पता नहीं है कि जो किया उसका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो नहीं है, ऐसा सोचना ही अज्ञान है। जब सूर्योदय होता है तो तारे दिखाई नहीं देते, इसका अर्थ ये नहीं कि तारे हैं नहीं। जो आंखों से दिखाई देता है वो बहुत कम है, और जो नहीं दिखाई देता वो बहुत ज्यादा है। इस जन्म में ध्यान करके अनेक जन्मों को जानना ही आत्मज्ञान है। भगवत गीता पढ़ने से पिछले जन्मों का पता नहीं चलता, मेरे पांव पकड़ने से भी पिछले जन्मों का पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ध्यान करके स्वयं ब्रह्म ऋषि बनना है, अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की तरफ आना है। कौरवों ने पांडवों को जितनी भी तकलीफ दी उसके लिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। द्रौपदी का मान भंग करने पर और अरण्यवास के समय भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, केवल आपद स्थिति में स्वयं को बचाने के लिए आपद धर्म का पालन किया। हर नियम के साथ अपवाद होते हैं। धर्म और आपद धर्म का पता होने पर ही हम धर्मानुसार जीवन जी सकते हैं। हर परिस्थिति में बेहतर से बेहतर करने के लिए हमें अपवाद भी पता होने चाहिए। बिना ज्ञान के अगर अपवाद को इस्तेमाल किया तो सही नहीं है, लेकिन उसी अपवाद को ज्ञान के साथ ब्रह्मज्ञानी ने इस्तेमाल किया तो वो सही है। ध्यान अति उत्तम धर्म है और अहिंसा परमो धर्म है। 24 दिसंबर मित्र धर्म। धर्म यानी सही और गलत का ज्ञान। धर्म अनुसार आचरण करना अर्थात सही तरह से जीना।
सही और गलत का पता नहीं होने से हम धर्म के अनुसार कैसे जी सकते हैं? सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ही बोलना है और धर्म के अनुसार आचरण करना है। सत्य एक ही है, धर्म तरह तरह के हैं। हमें सबसे मित्रता करनी है। मैं आपका मित्र हूं, मुझे आपकी मित्रता चाहिए। स्नेह धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम केवल बुद्ध ही नहीं, मैत्रेय बुद्ध हैं। हमें हर प्राणी से मित्रता करनी है, हर देश धर्म और भाषा के लोगों से मित्रता करनी है। प्रथम ध्यान धर्म, द्वितीय अहिंसा धर्म, तीसरा मित्रता धर्म। मानव को जंतु साम्राज्य के साथ मित्रता करनी है। वो हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मारकर खा रहे हैं। हमें मित्र धर्म सिखाने के लिए हर एक भगवान ने अपने साथ एक जंतु को रखा है। भगवान शंकर के साथ सांप, विनायक के साथ चूहा, कुमार स्वामी के साथ मोर, दुर्गा मां के साथ शेर है। मित्रता सदा के लिए है। मित्रता शब्द अत्यंत प्यारा है। मित्र बनाने के लिए हमें हमेशा पहल करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले ध्यान बताया और कहा कि मैं फिर मैत्रेय बुद्ध बनकर आऊंगा। PSSM मैत्रेय बुद्ध संघ है। मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं, आप मुझसे निम्न नहीं। मानव पशु साम्राज्य से श्रेष्ठ नहीं, जंतु साम्राज्य मानव से निम्न नहीं। हम सब एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यही मित्रता है। यदि आप ऐसा समझते हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो आप दूसरों से मिलजुल कर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण सबके मित्र हैं। गोपियां श्री कृष्ण की भक्त नहीं, सखियां हैं। श्री कृष्ण सभी के सखा हैं। यदि आप भी सबके साथ ऐसे ही मित्रता रखते हो, तो आप श्री कृष्ण के समान हो। PSSM का तीसरा सिद्धांत, सबका ध्यान अनुभव सुनना है। सभी भाषा के लोगों से मित्रता करना है। जैसे एक छोटा बच्चा जब बोलता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी हम उसकी बात प्यार से सुनते हैं। उसी प्रकार हमें सबका अनुभव प्यार से सुनना है। 25 दिसंबर करुणा धर्म। जीसस क्राइस्ट ने कहा, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, देव राज्य की शरण में रहें, उसके धर्म का पालन करें। उसके धर्म का पालन करने से आपको शांति, सौभाग्य, तृप्ति, संतोष सब मिलेगा। देवराज्य कहाँ है? देवराज्य तुम्हारे अंदर है। ध्यान करके ही देवराज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वो एक उत्तम तीर्थ है। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना अर्थात ध्यान करना, उसके धर्म का पालन करना अर्थात करुणा करना। कोई भी दुखी या दीन स्थिति में है, उसकी सहायता करना ही धर्म है। दूसरों का दुख बांटना ही करुणा है। खुद के अंदर जाना ध्यान है। दूसरे प्राणी को कष्ट ना देना अहिंसा है। समस्त प्राणियों के साथ मिलकर रहना मित्रता है, और सबकी सहायता करना करुणा है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो अहिंसा में जीना है। मुक्ति का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा में मिलना नहीं है। हम परमात्मा ही उच्च लोकों से धरती पर आए हैं। अगर धरती पर आकर मांस खाया, प्राणियों की हत्या की, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। खुद को आत्मघाती बम लगाकर दूसरों को भी मार देना करुणा नहीं है। जिसके अंदर करुणा नहीं है, उसको आत्मज्ञान नहीं है। करुणा करना ही आत्मज्ञानी का लक्षण है। खुद जीना और दूसरों को जीने देना ही करुणा है। यात्रा करते समय यदि कोई बूढ़ा खड़ा है और जवान सीट पर बैठा है, तो अपनी सीट बूढ़े को देना ही करुणा है। प्रत्येक जीव के प्रति दया होना ही करुणा भाव है। करुणा अर्थात सहानुभूति। घर घर जाकर ध्यान सिखाना ही करुणा धर्म का पालन करना है।
जो लोग दूसरों को ध्यान नहीं सिखाते वो अधर्म कर रहे हैं। ध्यान करना प्रथम धर्म है, ध्यान प्रचार करना चौथा धर्म है। मेरे पास जो है वो दूसरों में बांटना करुणा धर्म है। हमसे जो उच्च स्थिति में है उनको देखकर खुश होना है, और जो निम्न स्थिति में है उनके ऊपर करुणा करनी है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, ब्रह्मज्ञानी कैसे जीते हैं? बुद्ध ने कहा, ब्रह्मज्ञानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करते हुए जीते हैं। मैत्री अर्थात सबके साथ मित्रता करना है। करुणा जो हमसे कम उन्नत स्थिति में है उनकी सहायता करना है। हमें हर पल करुणा करने के लिए अवसर ढूंढते रहना है। ऐसे अवसर हमेशा आते रहते हैं, मगर हम खुद में ही इतना उलझे रहते हैं कि हमें वो अवसर दिखाई नहीं देते। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तो श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने से पहले उनसे राजनीति का ज्ञान लेकर आओ। धर्मराज ने कहा, भीष्म पितामह इस समय खुद बहुत कष्ट में हैं। इस समय जाकर ज्ञान सिखाने की बात करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम इस समय जाकर उनसे राजनीति का ज्ञान नहीं सीखोगे तो सारा ज्ञान उनके शरीर छोड़ते ही उनके साथ चला जाएगा। तब राजनीति के गूढ़ रहस्य किससे सीखोगे? उस समय भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे हुए धर्मराज को राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान दिया। इतना दुख में रहने पर भी हमें दूसरों की मदद करनी है। हम सोचते हैं कि मैं खुद ही इतना दुखी हूं, मैं दूसरों की क्या मदद कर सकता हूं। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। एक दिन उन्होंने नहाने के लिए पानी गर्म किया, उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। जल्दबाजी में वे दरवाजा खोलने के लिए गए तो पूरा गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया। उस समय वे घर में अकेले थे। उन्होंने एक चादर ओढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर दो व्यक्ति ध्यान सीखने आए थे। उन्होंने उसी स्थिति में उनको आधा घंटा ध्यान करवाया। तब तक पूरे शरीर में छाले हो गए थे। उन दोनों के जाने के बाद वे बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए। रात को महावतार बाबा जी उनके पास आए और उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरा तो सारे छाले ठीक हो गए। जब हम अपना दुख भूलकर दूसरों की मदद करते हैं तो उच्च लोकों के मास्टर्स हमारी मदद करते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, दूसरों को ध्यान सिखाना ही करुणा है। 26 दिसंबर शांति धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हो तो वो रक्षित धर्म ही समय आने पर आपकी रक्षा करता है। हर समय आपको मनन करते रहना है धर्म क्या है। धर्म अर्थात न्याय परायणता। ध्यान किया तो सही विधि से ध्यान करना है, बात की तो सही तरीके से बात करनी है, सही तरीके से सोना है, सही तरीके से खाना है। जब सब पंक्ति में जा रहे हैं तो आपको लाइन को तोड़ना नहीं है। यदि आप ये समझना चाहते हो कि धर्म क्या है तो उसके लिए पहले आपका मन शांत होना जरूरी है, तभी धर्म का पता चलेगा। शांति शब्द अति विशिष्ट है। वक्त वक्त पर हमें शांत रहना है। मन इधर उधर भागता है, उसे शांत रखना है। यदि किसी ने आपसे झगड़ा किया तो भी आपको शांत रहना है। गुरजीएव एक संत था। जब वो 11 साल का था उसके पिता ने मरते समय उसे संपूर्ण जीवन जीने के लिए एक सूत्र दिया कि बेटा तुम मुझे वचन दो कि जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे तो तुम्हें उसी समय प्रतिक्रिया नहीं करनी। पूरे 24 घंटे का अंतराल देने के बाद तुम प्रतिक्रिया करना। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का अधिकार है, पर कुछ समय बाद प्रतिक्रिया करना। गुरजीएफ ने
अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस एक वचन से उसका पूरा जीवन बदल गया। प्रतिक्रिया ना करने से हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। कोई कुछ भी कहे, हमें उसके अपशब्दों को मन पर नहीं लेना है। प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा नष्ट होती है, फिर आप कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। आवेश या इमोशन एक बड़ी ऊर्जा है। जब जरूरी है तब इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा शांत रहें। अपनी ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण चीजों में ना गवाएं। 27 दिसंबर शरीर और आहार धर्म। हमें अपने शरीर के प्रति सही व्यवहार करना चाहिए। शरीर को कष्ट देना अधर्म है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा आराम करने का अर्थ है शरीर को कष्ट देना। शरीर की देखभाल करना हमारा धर्म है और ध्यान करना आत्मधर्म है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल और डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल डालने से वो खराब हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी शाकाहार भोजन के लिए बना है। उसमें मांसाहार डालने से वो रोगी हो जाएगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। मांसाहार लेना शरीर के प्रति अधर्म करना है। जो शाश्वत सत्य को पहचान कर अशाश्वत लोगों के बीच में सांसारिक जीवन जी रहा है वो बुद्ध है। बुद्ध यानी जिसके पास बुद्धि है, जो आध्यात्मिक सत्य को जानकर उस ज्ञान से जीवन जी रहा है वो बुद्ध है। वो सुनहरे मध्य मार्ग में यानी 50% प्रापंचिकता और 50% आध्यात्मिकता में समान रूप से जी रहा है। आहार धर्म में शाकाहार पहली सीढ़ी है। यदि आप मास्टर हैं तो आप अपने शरीर की उचित देखभाल करेंगे, ना कम खाएंगे ना ज्यादा खाएंगे। आप इस शरीर के साथ कहीं भी जा सकते हैं और जितना समय चाहें इस शरीर में रह सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। धर्म अर्थात नीति परायणता। जैसे दूसरे प्राणी की देखभाल करते हैं वैसे ही खुद की भी देखभाल करनी है। जब भूख लगे तब खाना खाओ, जब भूख ना हो तब उपवास करो। हमेशा ताजा व स्वादिष्ट खाना खाएं। फ्रिज में दूध, दही और फल सब्जियां ही रखें। खाना बनाकर फ्रिज में रखना और कई दिन तक खाना मूर्खता है। सही आहार लेना ही शरीर के प्रति अपने धर्म का पालन करना है। माइक्रोवेव में खाना ना बनाएं और ना गर्म करें। माइक्रोवेव की ऊर्जा शरीर के लिए घातक है। खाने में लहसुन का प्रयोग ना करें। लहसुन को नकारात्मक ताकतों ने बनाया है। उसका प्रयोग करने से शाकाहारी भी मांसाहारी बन जाता है। लहसुन एक जासूस की तरह है। जैसे एक देश का जासूस दूसरे देश में रहकर वहां से समाचार भेजता रहता है, इसी तरह लहसुन नकारात्मक ताकतों के लिए काम करता है। हमें मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम ना फल है ना सब्जी, वो फंगस है। उसमें जीवन शक्ति बिल्कुल नहीं है। आहार मुख्यतया आत्मरंजन के लिए है। आहार के पोषक पदार्थ शरीर के पोषण के लिए हैं, परंतु आहार में जो स्वाद होता है वो आत्मरंजन के लिए है। जो भोजन आत्मा को ज्यादा आनंद देता है वो भोजन ही शरीर को पूर्ण आरोग्य देता है। ये आध्यात्मिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भोजन से आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ पोषित होते हैं। शरीर आत्मा की छाया है। यदि आत्मा संतुष्ट, आनंदित और परिपूर्ण है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। जैसे जब हम मग्न होकर संगीत सुनते हैं और हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है तो हमें भूख भी नहीं लगती। मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जो हम खाना मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं। बेस्वाद खाना,
सही तरह से न पकाया गया खाना, अरुचि से बनाया गया खाना आत्मा की दरिद्रता का सूचक है। आत्मा की दरिद्रता को दूर करना ही आध्यात्मिकता है। एक आत्मज्ञानी द्वारा पकाया गया खाना ऊर्जावान होता है। जो पाक शास्त्र में निपुण है, आत्मज्ञानी है और ध्यानी है, उसी को खाना बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसा खाना बनाना नहीं आता तो किसी अनुभवी आत्मज्ञानी पाक शास्त्री से सीखना चाहिए। मैं अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं, क्योंकि मुझे और 80 साल इस शरीर में रहना है। मैं 2095 में इस शरीर को छोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य है, जब तक धरती पर आखिरी मानव बुद्ध नहीं बनेगा, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये मानव शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है। इसमें हर एक अणु एक कर्मचारी है। लाखों कर्मचारी इस कारखाने में मिलकर काम कर रहे हैं। हमें सभी कर्मचारियों की अच्छी तरह देखभाल करनी है। अपने शरीर के प्रत्येक अणु से बात करें। शराब का सेवन ना करें। ऐसा करने से सभी कर्मचारी मदहोश होकर सो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। जो भी खाना खाना है उसको बहुत ही स्वादिष्ट और गुणवत्ता से परिपूर्ण बनाना है। ऐसा खाना आपके शरीर को ऊर्जा, रोग मुक्त और लंबा जीवन देगा। जब भी खाएं, आनंद से खाएं, बिना रुचि के ना खाएं। जिस तरह ध्यान शास्त्र है, उसी तरह पाक शास्त्र भी है। हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर देखा जाए तो हमें पाक शास्त्र का कुछ भी पता नहीं है। पाक शास्त्र एक महान विज्ञान है। हम इस विज्ञान को नजरअंदाज करके केवल जीभ के स्वाद के लिए उचित अनुचित सब कुछ खा रहे हैं। इसी वजह से आज इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। अपने शरीर के प्रति आहार धर्म का पालन करें। शरीर का संबंध डॉक्टर से नहीं, खुद से है। शरीर के प्रति आरोग्य धर्म निभाएं। ध्यानी बने, शाकाहारी बने। 28 दिसंबर स्वाध्याय धर्म। हम सब सृष्टिकर्ता हैं। हम सब इस धरती पर हैं, पर इस धरती के वासी नहीं हैं। हम हर जगह हैं और हम सारी सृष्टि के हैं। जैसे भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महाकारणलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे अनेक अनेक लोक हैं। हम समानांतर लोकों में समानांतर जीवन जी रहे हैं। हम केवल इस शरीर, इस जन्म और इस भूमि के बारे में ही जानते हैं। हम बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल और समानांतर यानी पैरेलल जीवन जी रहे हैं। ये समझना मुश्किल है, परंतु यही सत्य है। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, हर उंगली मान लो एक एक लोक है। हम 5 उंगलियों को अलग अलग तरह से हिला सकते हैं। ऐसे ही हम एक ही समय में अनेक लोकों में अनेक शरीरों के साथ काम कर रहे हैं। हम एक आत्मा नहीं, अनेक आत्माएं हैं। हम सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक, कारण शरीर से कारण लोक, महाकारण शरीर से महाकारण लोक में विचरण करते रहते हैं। हमें स्वयं को पहचानना है। हम एक ही समय में अनेक शरीरों के साथ अनेक लोकों में बहुआयामी जीवन जी रहे हैं। ये भौतिक शरीर उसमें केवल एक हिस्सा है। ये सब जानने के लिए आपको ध्यान और स्वाध्याय करना है। बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको पुस्तकें पढ़नी है। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं, ऐसे ही बुद्धि का विकास करना है, जो केवल स्वाध्याय से होगा। लिंडा गुडमैन, रूथ मॉन्टगोमरी, खलील जिब्रान, रिचर्ड बाक, कार्लोस कैसेनीडा, स्वामी राम तीर्थ, बारबरा मर्सिनियाक, इन सब की पुस्तकें पढ़ें। बीएसएसएम के 18 सूत्रों में पहला सूत्र ध्यान है तो दूसरा स्वाध्याय है। सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे तो आप खुद के प्रति अधर्म कर रहे हैं। जैसे शरीर से तीर्थ यात्रा करते हैं, वैसे ही बुद्धि से ज्ञान यात्रा करनी है। अभी तक
मैं 100,000 पुस्तकें पढ़ चुका हूं, यानी 100,000 ज्ञान यात्रा कर चुका हूं। पुस्तकें पढ़ने से ही हमारा उद्धार होगा। हमें प्रत्येक धर्म का पालन करना है। 29 दिसंबर विनय धर्म। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्रता से रहना है। विद्या तदाति विनयम। विद्या से विनय आता है। जिसके पास विद्या ज्यादा है उसके पास विनय भी ज्यादा होना चाहिए। विद्या के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ही अच्छा सितार बजा सकता हूं ऐसा सोचना अहंकार है। विद्या विनम्रता देती है, धन अहंकार देता है। जितनी ज्यादा पढ़ाई उतना ज्यादा अहंकार, जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा अहंकार। सांसारिक विद्या अहंकार देती है, आध्यात्मिक विद्या विनय देती है। जो आध्यात्मिक है वो ज्यादा ध्यान करता है और विनय में रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर विनय का उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में जब 10 दिन हो गए और भीष्म पितामह नहीं मर रहे थे तो धर्मराज ने भीष्म पितामह से पूछा, आप अपने मरने की विधि बताएं, आपको कैसे मारना है। भीष्म पितामह को बहुत खुशी हुई। भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारे अंदर कितनी विनम्रता है, इतनी विनम्रता से पूछोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी खुशी से मर जाएगा। मुझे मारना है तो मेरे सामने एक नपुंसक को खड़ा कर दो, मैं उस पर हथियार नहीं चलाऊंगा, तभी मेरी मृत्यु संभव है। अगर धर्मराज ने अहंकार से पूछा होता तो भीष्म पितामह कभी नहीं बताते। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं उतनी हमारे अंदर विनम्रता भी ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप विनम्रता में नहीं हैं तो आप आध्यात्मिक अधर्म कर रहे हैं। शरीर की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये स्वधर्म और परधर्म के बीच में है, क्योंकि शरीर हमारा है और हमारा नहीं भी है। डॉक्टर के पास ना जाएं, दवाई ना लें। हमें ध्यान करके शरीर को अंदर से ठीक करना है। पिरामिड का इस्तेमाल करके आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। संगीत सुनने, गाने और बजाने से भी शरीर स्वस्थ हो जाता है। मैं हमेशा संगीत सुनता रहता हूँ, इसलिए स्वस्थ रहता हूँ। मेरे अंदर हमेशा संगीत चलता रहता है। हर एक व्यक्ति को कोई वाद्य या गाना जरूर सीखना चाहिए। जिसको संगीत आता है वो गाकर या बजाकर अपना ही संगीत सुनकर स्वस्थ हो सकता है। जिसको संगीत नहीं आता वो दूसरों को सुनकर स्वस्थ हो सकता है। ध्यान, पिरामिड और संगीत की शक्ति हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और गतिशील बनाती है। जब हम दूसरों का अनुभव सुनते हैं तो ताली बजाते हैं। ताली बजाने से 2 प्रकार का लाभ होता है। पहला, हाथों में एक्यूप्रेशर होने की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरा, ताली बजाकर हम दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। 30 दिसंबर दान धर्म। जो भी आपके पास है वो दूसरों को दान दो। अगर आपको संगीत आता है तो दूसरों को निशुल्क संगीत सिखाओ। अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी सिखाओ। हम खुद का धर्म करते हुए, खुद के लिए कमाते हुए 1 घंटा सेवा भी करें। दान धर्म अंतिम धर्म है। हमारे पास जो भी है दूसरों को दान दें, यही देवत्व है। यदि दूसरों से छीना तो ये राक्षस वृत्ति है। जितना हम ध्यान करके धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अधर्म दुख और दरिद्रता देता है। धर्म किया तो पुरस्कार मिलता है, अधर्म किया तो तिरस्कार मिलता है। धर्म किया तो स्वर्ग लोक मिलता है, अधर्म किया तो कारावास मिलता है। धर्म के अनुसार आचरण यानी ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मैत्री धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म, आरोग्य धर्म और दान धर्म,
इन सभी धर्मों का पालन करना है। ये पिरामिड 9 धर्म हैं।